हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा रिव्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस टाइम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और आमिर खान, इन दोनों की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत बराबर की चल रही है। दोनों रक्षाबंधन के खास त्यौहार पर रिलीज हुई थी। अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन और आमिर की लाल सिंह चड्ढा, ये दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज़ की गई हैं और आज इन दोनों को रिलीज हुए सिनेमाघरों में 5वां दिन चल रहा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों फिल्मों के पहले 5-5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कौन सी फिल्म बाजी मार रही है, लाल सिंह चड्ढा का कितना कलेक्शन हो चुका है और रक्षाबंधन का कितना कलेक्शन हो चुका है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप अक्षय और आमिर को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इंडियन ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब साबित नहीं हो पाई है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक और ऑडियंस के मिले जुले रिव्यू मिले हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बायकॉट की मांग की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं, आज 5वां दिन है, ये अभी तक 50 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं हो पाई है। हालांकि वीकेंड का लाल सिंह चड्ढा को थोड़ा फायदा हुआ है, फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे रविवार का लाल सिंह चड्ढा को फायदा हुआ, वैसे ही 15 अगस्त होलीडे पर कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। लाल सिंह चड्ढा ने शुरुआत के 3 दिनों में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, इस फिल्म को लोग वीकेंड का कोई फायदा नहीं हुआ है, अब बस 15 अगस्त होलीडे से उम्मीद की जा रही है। क्या पता उस दिन ये फिल्म कुछ कमाल कर दे। फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। लाल सिंह चड्ढा का चौथे दिन का कलेक्शन एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ का बिजनेस किया है। कलेक्शन में 15% तक का हाइक हुआ है, ये हाइक सोमवार को और बढ़ सकता है। चौथे दिन के कलेक्शन के बाद टोटल करीब 38 करोड़ हो जाएगा। फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़, दूसरे दिन 7.5 करोड़ और तीसरे दिन 9 करोड़ का बिजनेस किया है। लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो फिल्म आमिर खान के साथ करीना कपूर, मोना सिंह और नागा चैतन्य अहम किरदार में निभाते नजर आए हैं। इस फिल्म से नागा चैतन्य ने बॉलीवुड में कदम रखा है। ये फिल्म 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक। कर लेते हैं अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मेकर्स को काफ़ी उम्मीदें थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी, लेकिन त्यौहार की छुट्टियों और वीकेंड के बावजूद भी इस फिल्म को ज़्यादा खास फायदा नहीं मिला है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हुई फिल्म रक्षाबंधन पहले दिन के बाद से कमाई के मामले में लगातार नीचे जा रही है, जो अक्षय कुमार के कैरियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिलहाल चौथे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक रविवार के दिन फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के सामने आ रहे आंकड़ों के मुताबिक चौथे दिन यानी रविवार को कलेक्शन में उछाल आया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने पहले दिन रक्षाबंधन ने 8.5 करोड़ रुपए, जबकि दूसरे दिन इसकी कमाई 6.5 करोड़ रुपए रह गई। फिल्म ने तीसरे दिन 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और चौथे दिन रक्षाबंधन की कमाई लगभग 8 करोड़ रुपए है। इस तरह फिल्म की कुल कमाई अब तक 29 करोड़ हो गई है। भले ही चौथे दिन की कमाई में उछाल देखने को मिला हो, लेकिन इसकी बेहद धीमी रफ्तार से निर्माताओं को झटका लगा है, क्योंकि जानकारी सामने आई थी कि दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से इसके कई शो भी कैंसिल किए गए हैं। 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 4 दिनों में अब तक 28 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म की मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और भूमि पडनेकर नज़र आ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर।